नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे यह फूल वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने यह थालपोस तैयार किया था जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और इस वीडियो में मैं इसी फूल की मदद से गोल आकार का बहुत सारे झालर वाला तोरण बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसमें मैंने स्टिच भी कम रखा है ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। और पूरा बनने के बाद मैं इसे आपको दरवाजे पर लगा करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 15 चैन तैयार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मोटा वाला 4-ply ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का जो साइज़ है वो 4 mm है। और तोरण का जो पट्टी है वो मैंने जाली वाला डिज़ाइन रखा है, क्योंकि नीचे भी मैंने जाली वाला ही डिज़ाइन रखा है। तो इस तरीके से हम पहले 15 चैन तैयार कर लेंगे। तोरण में ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारा 15 चैन तैयार हो गया। ऊपर से हम 5 चैन को छोड़कर 1, 2, 3, 4 और ये 5 छठे वाले चैन में हमें क्रूस को डालना है और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा जाली तैयार हो गया। इसके बाद हम 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें लॉक करना है। तो ये पहला और दूसरा को छोड़कर ये तीसरे वाले में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा जाली तैयार हो गया। और इसी तरीके से हम फिर से 4 चैन तैयार करेंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम लॉक कर देंगे। और लास्ट में हम एक बार और 4 चैन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4 और नीचे से 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले चैन में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। और इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। इसके बाद हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 चैन ले लेंगे। 4 चैन से ही हमें पूरा डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4 डिज़ाइन को हम पलट देंगे और ये जो हमारा पहला वाला जाली है इसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से 4 चैन लगा देंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया। इसके बाद हम जाली के अंदर इसे लॉक करके फिर से 4 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तोरण बनाने के पहले आप दरवाजे का नाप ले लीजिए और उसी के हिसाब से आप तोरण पट्टी तैयार कीजिए, तब हमें बनाने में आसानी होता है। पूरा बनने के बाद तोरण जो है अच्छे से दरवाजे पर सेट हो जाता है। मैंने जो यहाँ पर तोरण बनाया है उसका तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है। तो मैं आपको पूरा पट्टी जो है तैयार करके दिखाती हूँ। हमारा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है। और पूरा तैयार हो जाने के बाद हम लास्ट में यहाँ पर इसे अच्छे से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। इसके बाद हम क्रूस की मदद से जितना हो सके इस तरीके से हम अंदर करते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे।
इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी, इस तरफ जो हमारा ये ऊन है इसे भी हम जितना हो सके कुरुस की मदद से अंदर कर लेंगे, और लास्ट में जो थोड़ा सा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा तोरण का पट्टी जो है तैयार हो गया। और पट्टी और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो इसके लिए हम किनारे किनारे सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देती हूँ। तोरण मैंने उजला, पीला, हरा और गुलाबी रंग से तैयार किया है, तो इसीलिए मैंने तोरण पट्टी में उजला और हरा रखा है। तो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया जाली के अंदर करते जाएंगे। एक जाली में हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से जाली में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हम सभी में 3-3 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। और सबसे किनारे वाले तरफ हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, और साथ में हम एक चैन लगा देंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है कोने पर अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमने एक चैन लगा दिया, और इसके बाद हम फिर ये वाले जाली में 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हमें लास्ट तक तैयार करते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमें बीच में 3 सिंगल क्रोशिया एक जाली के अंदर बनाना है, और चारों कोने पर हम एक एक चैन ले लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आपको लगे कि एक चैन लेने से डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो एक की जगह आप 2 चैन भी ले सकते हैं। पट्टी हमारा तैयार हो गया। इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से सेट कर लेंगे, और इसके बाद इसे हमें 2 भागों में बराबर करते हुए बांटना है। तो ये हमारा 2 भाग हो गया, और बीचों बीच हम मार्कर लगा देंगे। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप ऊन का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। इस तरीके से करने से डिज़ाइन जो है हमारा बराबर रहेगा। और यहाँ हम 2 भाग में डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक भाग तैयार कर लिया है, और एक भाग जो है मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने गोल आकार का इस तरीके से एक भाग में डिज़ाइन तैयार कर लिया है, और हमने जो यहाँ पर मार्कर लगाया था यहाँ हम झालर लगाएंगे बीचों बीच। और किनारे तरफ भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, यहाँ पर हम झालर लगाएंगे। दोनों किनारे पर और बीच में झालर लगा देने से तोरण जो है हमारा और भी ज़्यादा सुंदर और अलग लगेगा। और अगर आपको झालर नहीं लगाना है तो उसके बिना भी आप बस गोल आकार में तोरण तैयार कर सकते हैं। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने एक भाग तैयार कर लिया, ठीक उसी तरीके से हमारा दूसरा भाग भी तैयार होगा। तो हमने जो यहाँ पर मार्कर लगाया था तो इस तरीके से हम पट्टी को पकड़ लेंगे, और सीधे तरफ से हम इसे 2 भागों में बांट लेंगे, और बीचों बीच हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो इस तरीके से हम पहले बराबर कर लेंगे। पट्टी हमारा बराबर हो गया, और अभी हमें बीचों बीच यहाँ पर डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। ये हमने जो हरा रंग से डिज़ाइन तैयार किया है तो यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। तो इसके लिए हम पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे, और ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम पहले अच्छे से लॉक करेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 3 चैन तैयार हो गया।
और फिर हमने जहाँ से चैन बनाना शुरू किया था ठीक उसी में यहीं पर हमें 10 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें इसमें 10 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा 10 डबल क्रोशिया तैयार करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम इस तरीके से इसे नाप लेंगे। तो ठीक ये नीचे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। अभी हमें उजला रंग का ऊन को जोड़ना है। अगर आप एक ही कलर का ऊन से बना रहे हैं तो ऊन को कट मत कीजिएगा। तो इसे हम पीछे की तरफ ऊन को क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे और इसके बाद जब पूरा हमारा तोरण तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम सभी ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम उजला रंग के ऊन को इसमें जोड़ देंगे। अभी हमें इससे डिज़ाइन तैयार करना है। तो इस तरीके से हम ऊन को जोड़ लेंगे। ऊन हमारा अच्छे से जुड़ गया और यहाँ पर हम 15 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। नीचे जो ये हमारा सबसे पहला वाला चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पंखुड़ी जैसा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हमें लास्ट तक तैयार करना है। 15 चैन लेते हुए नीचे वाले चैन में जोड़ते हुए हमें तैयार करना है इस तरीके से। तो फिर से हम यहाँ पर 15 चैन तैयार कर लेंगे। और फिर नीचे वाले चैन में यहाँ पर हम इसे लॉक करके यहाँ पर फिर से हम 15 चैन तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैं आपको गिनती करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल हमारा 10 तैयार होगा। इसके बाद हम क्रूस को यहाँ पर नीचे यहाँ पर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर इसे हम कट कर लेंगे। अभी हमें हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन तैयार करना है। इसके बाद हमने जो यहाँ पर पंखुड़ी के बीच में 3 डबल क्रोशिया तैयार किया है तो इसे हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम ऊन को पहले इस तरीके से जोड़ लेंगे। पंखुड़ी का जितना लंबाई है उसी के हिसाब से बराबर करते हुए इस तरीके से हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम पंखुड़ी में भी एक बार अच्छे से जोड़ लेंगे। और इसके बाद इसमें हमें 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 3 चैन 2 डबल क्रोशिया मिला करके हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और इसके बाद हम इसी तरीके से सभी पंखुड़ी के बीच में 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। यहाँ तक हमें तैयार करना है। तो फिर से हम दूसरे वाले पंखुड़ी के बीच में 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो गया, इसलिए मैंने बीच बीच में चैन नहीं लिया है। तो बस ऐसे ही हमें यहाँ तक बनाना है। मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम ऊन को यहाँ पर बराबर करते हुए यहाँ पर जोड़ लेंगे और थोड़ी सी दूरी पर हमें ऊन को लॉक करके कट कर देना है। अभी हम उजले रंग के ऊन से डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद पूरा जब हमारा तोरण तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम पीछे की तरफ जितना भी हमारा ऊन है सभी को अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम चारों तरफ से हल्के हाथों से थोड़ा फैला लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे। अभी हमें जाली वाला डिज़ाइन तैयार करना है, तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। ऊन हमारा अच्छे से जुड़ गया। अब हम जाली बनाएंगे। तो इसके लिए अभी हम 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 4 चैन तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर दोनों पंखुड़ी के बीचों बीच इसे हमें लॉक करना है। तो क्रूस को अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम 4 चैन तैयार करेंगे और इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो ऐसे ही हम 4 चैन बनाते हुए लास्ट तक डिज़ाइन को पूरा तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर इसे लॉक कर देते हैं। जाली बनाते हुए हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो अभी हम यहाँ से दूसरा लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर चैन ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चैन लिया है और इसके बाद यहाँ पर लॉक कर देंगे। और अब हम 5 चैन तैयार करेंगे और 5 चैन तैयार करने के बाद हम जाली के बीच बीच में लॉक करते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमने 5 चैन ले लिया। अब हम इसके बीच में इसे लॉक करके फिर से हम 5 चैन तैयार करेंगे। 5 चैन लेते हुए हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको जाली और सामने सामने करते हुए तैयार करना है तो इसके लिए जब पूरा एक लाइन तैयार हो जाता है, तो जैसे ये मैंने दूसरा लाइन तैयार कर लिया और इसके बाद 3 चैन लेके थोड़ी सी दूरी पर लॉक करके हम तीसरा लाइन तैयार करेंगे। तो इस समय आप 3 चैन के बदले 1 चैन ले सकते हैं और दूरी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जाली हमारा और सामने सामने करते हुए तैयार होगा। अब हम तीसरा लाइन बनाएंगे। तीसरा लाइन में भी हम 5 चैन से ही जाली तैयार करेंगे और इसी तरीके से हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं आपको पूरा लास्ट तक डिज़ाइन जो है बना करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जाली पूरा बनने के बाद अगर आपको लगे कि डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, मुड़ जा रहा है, तो आप चैन जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने पहला लाइन 4 चैन लेते हुए तैयार किया और उसके बाद 7 लाइन 5 चैन करते हुए तैयार किया। अब हम ऊन को यहाँ पर कट कर देंगे और हरे रंग के ऊन से हमें डिज़ाइन तैयार करना है।
अभी हम जाली के बीच में हरे रंग के ऊन से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरीके से, जैसे कि हमने नीचे तैयार किया था उसी तरीके से हमें फिर से तैयार करना है। बस अभी हमें चार डबल क्रोशिया एक जाली के अंदर तैयार करना है, तो इसके लिए पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम जाली के बीचों बीच इससे जोड़ेंगे और फिर हम तीन चैन तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो चैन और डबल क्रोशिया मिला के हमारा चार डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमें जाली के बीच बीच में चार डबल क्रोशिया बनाते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। और अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप बीच बीच में एक या फिर दो चैन ले सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा डिज़ाइन लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हम ऊन को कट कर लेंगे और अभी हमें उजले रंग के ऊन से फिर इसके ऊपर जाली वाला डिज़ाइन तैयार करना है। जैसे हमने नीचे जाली तैयार किया था ठीक उसी तरीके से हमें ऊपर भी जाली तैयार करना है, बस हमें चैन थोड़ा बढ़ा देना है। ऊन हमारा अच्छे से जुड़ गया। अब हम यहाँ पर चार चैन लेंगे, तो ये हमारा एक दो तीन और ये चार, और नीचे से दो चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में इसे हम लॉक करेंगे और फिर से हम चार चैन लेंगे और नीचे से दो चैन को छोड़कर तीसरे वाले में इसे हम लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हम एक लाइन पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और ये जो हमारा हरा वाला ऊन है इसे हम पीछे की तरफ इस तरीके से क्रूस की मदद से कर लेंगे और पूरा बनने के बाद लास्ट में इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। हमारा एक लाइन तैयार हो गया। फिर से हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे और थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर इसे लॉक करके दूसरा लाइन तैयार करेंगे। दूसरा लाइन में हमें छः चैन बनाते हुए पूरा तैयार करना है, तो हमने छः चैन ले लिया। इसे हम चैन के बीच में लॉक करेंगे और फिर से हम छः चैन लेंगे और चैन के बीच में इसे लॉक करेंगे। तो ऐसे ही हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। अगर आपको लगे कि डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप चैन को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हम छः चैन लेते हुए डिज़ाइन को तैयार करेंगे। सबसे पहला वाला लाइन हमने चार चैन से तैयार किया और इसके बाद हम छः लाइन छः चैन से तैयार करेंगे यहाँ तक
बीच में हम थोड़ा सा झालर के लिए जगह छोड़ देंगे, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 6 लाइन तैयार हो गया 6 चैन से, और सबसे पहला वाला लाइन हमने 4 चैन से तैयार किया था। किनारे पर भी हम थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे झालर के लिए, ये मैंने किनारे पर थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है और बीच में छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको झालर नहीं लगाना है तो आप पूरा लास्ट तक जाली बनाते जाइए। अब हम ऊन को यहाँ पर लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। इसके आगे हमें डिज़ाइन नहीं बनाना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा छोड़ करके ऊन को लॉक कर देंगे। बीच में हमें झालर के लिए जगह छोड़ना है। जाली हमारा तैयार हो गया। अब हम नीचे फूल और पत्ता वाला झालर लगाएंगे और बीच में भी हम फूल और पत्ता वाला इस तरीके से झालर लगाएंगे। मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने इस तरीके से पत्ता और फूल बनाना बताया था, मैं आपको एक बार और बना करके दिखा देती हूँ। ऊन को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 5 चैन तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद हम जाली के बीच में इसे लॉक करके यहाँ पर 6 चैन लगा देंगे। यहाँ पर हम फूल तैयार करेंगे। नीचे से पहला वाला चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से एक चैन लेकर उसी चैन में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। फिर से हम एक चैन लेंगे और उसी चैन में हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो टोटल हमें 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है एक एक चैन लेते हुए। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम जैसे हमने शुरू में 3 चैन लिया था, ठीक उसी तरीके से हम 3 चैन लेंगे और नीचे के चैन में इसे डालते हुए लॉक कर देंगे। और इसके बाद नीचे जो ये हमारा 2 ऊन दिख रहा है, दोनों फंदे के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और एक बार और अच्छे से लॉक करके इसमें हम 5 चैन लगा देंगे। 5 चैन हमारा फूल और पत्ते के बीच का दूरी होगा। तो इसके बाद 5 चैन लगाने के बाद दूसरे वाले जाली में इसे हम लॉक करके फिर से हम वहाँ पर 6 चैन लगा कर पत्ता बनाएंगे। तो ये हमारा फूल के लिए डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। यहाँ मैंने एक फूल एक पत्ता, एक फूल एक पत्ता इस तरीके से बनाया है। आप चाहे तो 2 फूल 1 पत्ता या फिर 2 पत्ता 1 फूल इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। अब हम पत्ता बनाएंगे, तो फिर से हम 6 चैन तैयार करेंगे और नीचे से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 और फिर इसे हम पलट देंगे और पीछे की तरफ से हम इसमें 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। डबल क्रोशिया बनाते समय हम फंदे को धीरे धीरे करते हुए बड़ा करते जाएंगे ताकि पत्ता का जो शेप है वो अच्छे से आए। तो इस तरीके से हमने 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। नीचे की तरफ यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पत्ता का एक भाग तैयार हो गया। दूसरा भाग भी हम ऐसे ही तैयार करना है, बस हमें फंदे का जो लंबाई है वो धीरे धीरे छोटा करते जाना है ताकि पत्ता जो है हमारा सुंदर सा तैयार हो। तो इस तरीके से हम फंदा छोटा करते हुए बनाते जाएंगे। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। फिर इसे हम यहाँ पर बीच में लॉक करेंगे और इसके बाद नीचे यहाँ पर
फिर से एक बार और इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि पत्ता हमारा सीधा रहे। और इसके बाद इसमें हम 5 चैन लगा देंगे और इसके बाद वाले जाली में इसे हम लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमें फूल तैयार करना है। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए लास्ट तक तैयार करना है। पत्ता और फूल के बीच का जो दूरी है वो मैंने 5 चैन से तैयार किया है। अगर डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, मुड़ जा रहा है, तो आप चैन जो है बढ़ा भी सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें फूल पत्ता करते हुए लास्ट तक डिज़ाइन पूरा तैयार कर लेना है। हमें सभी जाली के बीच में बनाते जाना है। यहाँ तक हमें बनाना है। पूरा बनने के बाद हमने जो फूल के लिए जगह छोड़ा है उसमें हमें फूल तैयार करना है। और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फूल भी तैयार करना है। तो नीचे जिस तरीके से हमने तैयार किया था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें तैयार करना है। एक लाइन पूरा पकड़ते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम पहले ऊन को अच्छे से जोड़ लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन लगा देंगे। आप चाहे तो पहले फूल बना सकते हो या फिर पत्ता बना सकते हो। तो इस तरीके से हम सबसे पहले वाले जाली में इसमें हम ऊन को लॉक करेंगे और इसके बाद हम पहले फूल तैयार करेंगे। फूल के लिए हम फिर से 6 चैन बनाएंगे जैसे कि हमने पहले तैयार किया था। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और लास्ट में हम 3 चैन बनाकर इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल के लिए जगह तैयार हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। और इसके बाद वाला जो जाली है यहाँ पर पूरा गोल आकार हम एक बार अच्छे से देख लेंगे और इसके बाद हम जाली के बीच में डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लॉक करके पत्ता तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से हम जाली को पकड़ते हुए गोल आकार में यहाँ पर इसी तरीके से हम गोल आकार में पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम फूल तैयार कर लेंगे दोनों किनारे पर। और बीच में मैंने इस तरीके का झालर लगाया है। फ्रेंड्स, मैंने यह झालर और झालर में लगा हुआ फूल का पूरा वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर दिया है। तो मैं इसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी
ताकि आपको आसानी से मिल सके और आप यह झालर भी तैयार कर सके। और साथ ही हमने जो गोल आकार का तोरण के नीचे डिज़ाइन बनाया है उसमें भी आप फूल तैयार कर सके। दोनों किनारे पर मैंने दो दो फूल वाला झालर लगाया है। एक झालर में 10 फूल है और एक झालर में 8 फूल है। बीच वाले झालर में मैंने 6 फूल लगाया है। एक में 6 है, दूसरा में 6 है। और झालर में फूल पत्ता जो है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो बस इस तरीके से गोल आकार में भी तोरण तैयार कर सकते हैं या फिर आप झालर के साथ भी तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप उस तरीके से तैयार कीजिए। पूरा फूल तैयार हो जाने के बाद जितना भी हमारा पीछे की तरफ का ऊन है और ये जो हमने झालर बनाया था ये वाला ऊन है, सभी को हम क्रूस की मदद से पीछे कर लेंगे और फिर हम अच्छे से बांध लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम बीच में यहाँ पर जहाँ हमने मार्कर लगाया था यहाँ पर हम क्रूस की मदद से झालर को लगा देंगे। और झालर लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें पीछे की तरफ से क्रूस की मदद से झालर वाला जो ऊन है इसे हम इस तरीके से पीछे कर लेंगे। और इसके बाद ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। और जिस तरीके से हमने बीच में झालर लगाया है उसी तरीके से हम दोनों तरफ भी झालर लगा देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें झालर और फूल बनाना नहीं बता पा रही हूँ। तो मैं उसका वीडियो लिंक जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर याद से लिख दूँगी, तो आप जा कर के देख लीजिएगा और इस तोरण को आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा बीच का जो झालर तैयार हो गया, किनारे भी हम इसी तरीके से झालर लगा देंगे। यहाँ मैंने दो लगाया है, आप चाहे तो 3 या फिर 1 इस तरीके से लगा सकते हैं। तोरण हमारा पूरा तैयार हो गया। अब मैं इसे आपको दरवाजे पर लगा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर बनने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसमें मैंने स्टिच भी कम रखा है तो आप आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। आपने अपना समय निकाला और पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।